पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। 23 फरवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने जा रही है बड़ी रैली। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने इसे लेकर किया बड़ा ऐलान। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दर्द उस वक्त झलक गया जब जीतन राम मांझी अपने स्वागत समारोह के बाद भाषण दे रहे थे और भाषण में उन्होंने ये कहा कि एक समय वो था जब नीतीश कुमार ने उन्हें ये कहा था कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में करा दें, और अब एक समय है जब हम पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हमारे सामने बैठे हैं और इसे देखकर हमारा दिल खुशी से बाग बाग हो उठा है। और इसे को लेकर उनके हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 23 फरवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी रैली की जाएगी और उसके बाद कश्मीर भी जाया जाएगा जहां पर एक हम पार्टी की बैठक होगी। और उसके बाद से सियासी गलियारों में ये चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या एनडीए से जीतन राम मांझी की पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी मांग करने वाले हैं, क्या सीटों को लेकर एनडीए से बड़ी मांग करेंगे, बिहार में विधानसभा चुनाव कितने सीटों पर हम पार्टी लड़ने वाली है, क्या इसको लेकर एनडीए को टेंशन में डालने वाले हैं जीतन राम मांझी। आइए तमाम जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अहम घटक दल और बिहार में सत्तारूढ़ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अगले साल 23 फरवरी को राजधानी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक रैली करेगी। इस बात की जानकारी पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने 20 जुलाई को राजधानी के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित पार्टी के अभिनंदन समारोह में दी। बता दें कि संतोष कुमार सुमन ने यह भी बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक कश्मीर में होगी, वहां हम लोग ये देखेंगे कि धारा 370 हटाने के बाद से कश्मीर कितना बदला है, कश्मीर में भी हम लोग अपनी पार्टी के झंडे को और बुलंद करेंगे। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के लिए ऐतिहासिक दिन है, आज का अभिनंदन समारोह अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये भी एक ऐतिहासिक हॉल है। जन समूह में कितने कार्यकर्ताओं को विधायक बनना है, सब एक दूसरे के लिए काम कीजिए। हो सकता है कि 2025 में आप लोगों को मौका नहीं मिले, लेकिन आने वाले 2029-2030 में आपको मौका मिलेगा। यही कमिटमेंट के साथ हम सभी को काम करना है। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए काफी गर्व का दिन है कि पार्टी के नेता मंत्री हमारे बीच बैठे हैं, हम लोग एनडीए के साथी हैं। मैं इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, जो प्यार उन्होंने हम लोगों को दिया, जीतन राम मांझी को एक प्रतिनिधित्व दिया। संतोष सुमन ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि एनडीए को मजबूत करने और इसे आगे ले जाने के लिए हम सभी को लग जाना है। 2025 में हम सभी को बिहार में एनडीए को 2/3 बहुमत से सत्ता पर काबिज होना है। आगे उन्होंने कहा कि आज हम लोग अभिनंदन समारोह में शपथ लेकर यहाँ से प्रण लेकर के जाएंगे, सभी को वादा करना होगा कि हम बैठेंगे नहीं, हम सभी को लड़ना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। जब उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे फिर नंबर का कोई मतलब नहीं रहता, इस चक्कर में नहीं रहना है कि 40 होगा या 80 होगा या 10 होगा, मंजिल पालेंगे तो 100 भी पार कर सकते हैं। आगे संतोष सुमन ने कहा कि 23 फरवरी 2025 के दिन हम लोग एक बड़ी रैली गांधी मैदान में करेंगे और इतिहास लिखेंगे, क्योंकि जब गरीब अपने घर से निकलता है तो इतिहास बनाता है, गरीब भी सरकार बदल और बना सकता है, गांधी मैदान में अपनी ताकत भी दिखा सकता है कि उसमें कितनी क्षमता है। अगले 4 अगस्त को रांची में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से भी साथी आए हैं। वहीं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हम लोग राष्ट्रीय परिषद की बैठक कश्मीर में करेंगे, वहां जाकर के देखेंगे कि धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर कैसा दिख रहा है। सारे कार्यकर्ता कश्मीर में भी अपने परचम को लहराएंगे, थकना नहीं है, सोना नहीं है, मंजिल को पाना है। तो देखिए जीतन राम मांझी की पार्टी, हमने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने वाले हैं जो कि ऐतिहासिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब कश्मीर में भी उनकी पार्टी का विस्तार करने वाले हैं, जहां पर एक तरफ जहां 23 फरवरी को रैली करेंगे तो उसके बाद वो कश्मीर दौरे पर जाएंगे और कश्मीर में राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।